नमस्कार, एमपी न्यूज कास्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीलम दुबे। चलिए रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों का। कटनी जिले में सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। यह वीडियो एक शराब दुकान का है, जहां शराब दुकानदार प्रिंट रेट से अधिक कीमत पर एक कस्टमर को शराब बेच रहे हैं और बिल मांगने पर बिल देने से मना कर दिया और तो और बात कर विवाद करने पर उतारू हो गए। सोशल मीडिया में वायरल हो रहे इस वीडियो के बारे में जानकारी लेनी चाहिए तो उनका कहना था कि इस बारे में उन्हें जानकारी लगी है और वह इस मामले को गंभीरता से लेते हुए जिले की सभी शराब दुकानों की जांच कराया जाएगा और अनियमितता पाए जाने पर शराब ठेकेदारों व शराब सेल्समैन पर कार्यवाही की जाएगी। कटनी से हीरा विश्वकर्मा। कितना का? 100 रुपए। अरे 85 रुपए। 100 रुपए दादा। बिल बना के दो तो उसका। बिल नहीं है बच्चे, बिल नहीं। बिल बना के दो ना भाई, बिल तो है ना, बिल बनाओ ना। अरे ये तो लिखा ना 85 रुपए। नंबर से कहा बताओ ना, देखना पड़ेगा उसका। चलो ठीक, निकाल दो भैया। सर, कटनी जिले में जो दुकानें हैं, अंग्रेजी दुकानें हैं, वहाँ पर अधिक मूल्य पर, मतलब एमआरपी रेट से भी ज़्यादा रेट लिए जा रहे हैं कस्टमर से और बाद विवाद करते का एक वीडियो भी सोशल मीडिया में वायरल हुआ। बकायदा उसने पैसे भी दिए और उसके बाद भी उसने ज़्यादा पैसे लिए और उसको वापस कर बिल भी ना देने की बात कही है और बहस भी की, ऐसी कुछ बात आप लोगों के द्वारा बताया गया है। हम अभी इसमें अपने प्रभारी को नोटिस जारी कर रहे हैं कि इस संबंध में अपने सारे तथ्य प्रस्तुत करें और ऐसी कोई घटनाएं ना हो। अभद्र व्यवहार बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए दुकानों पे। मदरा उपभोक्ता यदि उसका शुल्क अदा कर रहे हैं तो बाकायदा उनको जो रेट निर्धारित है उस पर ही दिया जाए। इस संबंध में मैं कार्रवाई के आदेश देता हूँ। थैंक यू।